Good morning, students. In the last lecture, I have introduced the chapter and I have discussed the story of this chapter in short and brief. And now from today, we will start the topic in detail. And I have already discussed with you about the Nazism, that it was the ideology of Nazi party. And the leader of this party was Hitler. And the story, this chapter, that is from Germany. Germany was a country which was defeated in the First World War. And after First World War, the story begins of Germany when Hitler, that he rise into the power. So ultimately this chapter is the story of Hitler. And with that, we will read the different events of Second World War also. Whenever we are reading any chapter, first of all, we have to keep in mind the time period. It means we have to read the different events from First World War to Second World War and in between what happened in the Germany. ऐसे ही हमने रशिया का किया था कि रशिया में भी हमने पढ़ा था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड, उसमें हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड पढ़ा. ठीक है, व्हाट इन दिस चैप्टर वी विल कवर सेकंड वर्ल्ड वॉर आल्सो. क्लियर? सो सबसे पहले आई हैव डिस्कस्ड दैट आफ्टर डिफीटिंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द जर्मनी, मोनार्की सिस्टम वॉज देयर एंड काइजर विलियम सेकेंड वॉज अ किंग. काइजर विलियम Second was the king of the country. He fled from the country because he was defeated. He was, you can say, at that time he was shocked and he was very angry and he was scared. कि उसकी country अब हार गई है, तो what happened with him? So at that time he fled. He left the country. At that time, Germany was very weak in all the terms, like economic terms, political terms, and social terms. At that time in Germany, many small different political parties, they join hands and they form coalition government. Coalition government कौन सी होती है, जिसमें अलग अलग छोटी छोटी political parties जो हैं वो मिलकर जो हैं वो hand join करती हैं और government बनाती हैं. और इसीलिए इस coalition government के कारण जो Germany में नई government बनी, उसको कहा जाता है वीमर गवर्नमेंट या वीमर रिपब्लिक. बिकॉज द प्लेस, नेम ऑफ द प्लेस जहां पे ये गवर्नमेंट बनी थी, जहां पे प्रॉपरली जो है वो कलीजन गवर्नमेंट की सारी जो है वो प्लानिंग हुई थी, दैट वाज वीमर. एंड रिपब्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड हेड वाज इलेक्टेड टेम्पररी, सो दैट्स व्हाई दिस वाज कॉल्ड वीमर रिपब्लिक. जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी थी, ऐसे ही जर्मनी में प्रॉपर इलेक्शंस के द्वारा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अल्टीमेटली दिस वीमर रिपब्लिक वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ये डेमोक्रेटिक थी, बट स्टिल इट वाज नॉट सक्सेसफुल, बट स्टिल इट वाज फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस, स्टिल इट वाज नॉट एबल टू, यू कैन से, कन्विंस द जर्मन पीपल. व्हाई? अब हमने यही पॉइंट्स करने हैं कि why Weimar Republic failed, why it was not successful, which were the problems they have to face, कौन कौन सी problems उनको face करनी पड़ी. ठीक है, और इसमें continue years हम पढ़ेंगे, first world war, उसके बाद first world war के आगे का time period. Clear? तो सबसे पहले first problem हमने बतानी है जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये गवर्नमेंट बनाई गई थी. तो फर्स्ट प्रॉब्लम ही क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स रिजल्ट वाज अ मेन प्रॉब्लम. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट था, क्या रिजल्ट था? दैट आफ्टर वॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज टोटली रुइंड. बिकॉज जब कोई कंट्री वॉर में बिजी होती है, बॉम्बार्डमेंट होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कंट्री में, यानी कि जर्मनी की बात करें या बाकी कंट्रीज में भी क्या हुआ था, लार्ज
स्केल डिस्ट्रक्शन. और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1914 से लेकर 1918 तक जब कंट्रीज वॉर में बिजी रही तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन के कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो टोटली डिवेलप नहीं हो पाए. और जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जब विमर रिपब्लिक ने जर्मनी की गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, एट दैट टाइम दे वर लैकिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज आल्सो. फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री वॉज वर्स्ट, फाइनेंस ही नहीं था. एंड थर्ड, जो रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग्स टूट गई थी, जो रेलवे ट्रैक्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जो रोड्स जो हैं टनल्स टूट चुकी थी, या फिर अलग अलग बॉर्डर एरियाज में जो भी डिस्ट्रक्शन हुई थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी मनी चाहिए. तो एट दैट टाइम ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है फाइनेंस, स्टॉक ऑफ फाइनेंस विद विमर रिपब्लिक वॉज वेरी लेस. यानी कि विमर रिपब्लिक के पास फाइनेंस बहुत कम था. सो दिस वॉज द कंडीशन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दे हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज एग्री, आप बताओगे दो तीन सेक्टर्स को बताओगे इसमें, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज टोटली रूइन. इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो थी वो कितनी देर तक बंद रही थी, जैसे आपने रशिया में पढ़ा था फैक्ट्रीज बंद होंगी तो उस टाइम पर प्रोडक्शन नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट, पीपल वर अनएम्प्लॉयड, दे वर नॉट गेटिंग फूड, फूड शॉर्टेज वॉज देयर. तो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने जो रशिया में पढ़ी थी ना वो आप इसमें बताओगे कि पीपल दे वर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड विमर रिपब्लिक वॉज नॉट इन कंडीशन टू गिव दैम फैसिलिटीज. ये तो हमने बताया जर्नल, कि जर्नल विमर रिपब्लिक को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़े. ठीक है, सेकेंड हमने बताने हैं फैक्ट्स. अब इसमें हम सेकेंड जो पॉइंट है इसमें हमने फैक्ट बताना है, डाटा बताना है इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साए. वर्साए आपको याद होगा, पैलेस ऑफ वर्साए फ्रांस में था. व्हेन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल द विनर कंट्रीज दे मेट एंड दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितना लॉस हुआ है और उन्होंने ये लॉस जो है वो किन पे डाल दिया, डिफीटेड कंट्रीज के ऊपर. तो उस टाइम पर मैं डिफीटेड कंट्रीज और विनर कंट्रीज, आपको पता ही है विनर कंट्रीज कौन सी थी, विनर कंट्रीज थी यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड इनको कहा जाता है अलाइड. और दूसरी तरफ डिफीटेड कंट्रीज कौन सी थी, सेंट्रल पावर्स, इसमें हमने करना है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की. तो हमने एक एग्जांपल ली है जर्मनी की, हम जर्मनी का पढ़ रहे हैं. तो हमने अब बताना है कि ट्रीटी ऑफ वर्साए, ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, काइंड ऑफ एग्रीमेंट, किनके बीच में साइन हुआ, अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स. और जिसमें अलाइड ने क्या किया, डिफीटेड कंट्रीज के साथ पीस ट्रीटी साइन की. पीस ट्रीटी का मतलब होता है वॉर को बंद करने के बाद जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है. और इस एग्रीमेंट में जर्मनी को क्या क्या लॉस हुआ वो हमने सारा बताना. पैलेस ऑफ वर्साए वॉज डेकोरेटेड एंड ऑल द डेलीग्रेट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दे वर इनवाइटेड, उनको बुलाया गया. और ये डेलीगेट्स, डेलीगेट्स का मतलब होता है सम मेंबर्स ऑफ विमर रिपब्लिक, दे वेंट देयर एंड दे वर कंपेल्ड टू साइन द एग्रीमेंट. उनको कंपेल किया गया कि उनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा क्योंकि वो डिफीटेड कंट्रीज है. एंड इसमें जर्मनी को क्या क्या लॉस हुआ वो हमने बताना. सबसे पहले तो आपने ये बताना है दिस ट्रीटी वॉज वेरी हार्श एंड इंसल्टिंग. हार्श एंड इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग थी क्योंकि इंसल्ट, जर्मन डिफीटेड कंट्रीज की इंसल्ट हुई थी इसमें. उनको बुलाकर उनसे एग्रीमेंट साइन करवाना. और जर्मनी की कितनी ही ओवरसीज कॉलोनीज
ओवरसीज कॉलोनीज का मतलब होता है जो एरिया जर्मनी के अंडर थे वो एरिया जर्मनी से वापस ले लिए थे. ओवरसीज कॉलोनीज वर टेकन बाय द विनर कंट्रीज. तो जर्मनी को सबसे बड़ा लॉस क्या हुआ? लॉस ऑफ ओवरसीज कॉलोनीज. यानी कि ओवरसीज का मतलब होता है जर्मनी के आसपास के एरियाज जो जिनके साथ सी बॉर्डर लगता था, या ऐसी कुछ कंट्रीज या ऐसे कुछ एरियाज जो जर्मनी के अंडर थे वो एरियाज विनर कंट्रीज ने ले लिए. तो जर्मनी को क्या हुआ? लॉस ऑफ ओवरसीज कॉलोनीज. नंबर टू, इसके बाद जो लैंड एरिया था पूरी जर्मनी का 13% लैंड एरिया टेरिटरीज 13% लैंड एरियाज वर एक्वायर्ड बाय अलाइड कंट्रीज. यानी कि पूरी जर्मनी का 13% जो एरिया था दैट वाज कंट्रोल्ड बाय अलाइड कंट्रीज. नेक्स्ट, और क्या लॉस? हमने सारा इसमें लॉस बताना है. देन 75% आयरन एरियाज. यानी कि पूरी जर्मनी की आयरन माइंस की 75% आयरन माइंस वर कंट्रोल्ड बाय अलाइड. यानी कि जर्मनी के अंदर जितनी भी आयरन माइंस थी ना, उन माइंस इंपॉर्टेंट आयरन माइंस की लिस्ट बनाई गई और उस लिस्ट से आयरन एक्सट्रैक्ट करने का राइट जो था वो किन कंट्रीज ने ले लिया? विनर कंट्रीज ने आपस में डिवाइड कर ली. और अल्टीमेटली जो बाकी आयरन माइंस बची वो आयरन माइंस से आयरन एक्सट्रैक्ट करने का राइट सिर्फ किसका था? जर्मनी का. तो ये भी टोटल लॉस हो गया हारी हुई कंट्रीज को, जर्मनी को लॉस था. देन 26% कोल एरियाज. पूरी जर्मनी की कोल माइंस का 26% कोल माइंस दीज वर एक्वायर्ड बाय विनर कंट्रीज. ठीक है, तो आपने ये सारा जो फैक्ट्स हैं वो बताने हैं. 13% टेरिटरीज, 75% आयरन एरियाज, 26% कोल एरियाज एंड लॉस ऑफ ओवरसीज कॉलोनीज. तो ये जर्मनी को लॉस हुआ. ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं था. इसके अलावा कंपनसेशन. कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? पूरी वॉर में जो भी डिस्ट्रक्शन हुई थी, जो विनर कंट्रीज को लॉस हुआ था, इन्होंने क्या किया? उस लॉस को डिवाइड किया और जर्मनी को कितना कंपनसेशन पे करना पड़ा? 6 बिलियन कंपनसेशन वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी. यानी कि 6 बिलियन कंपनसेशन जो था वो जर्मनी के हिस्से आया, जो कि जर्मनी को इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा विनर कंट्रीज. तो दैट वॉज ऑल्सो वेरी हाई. अब जर्मनी जो थी वीमर रिपब्लिक, अपनी कंट्री को रिफॉर्म करते या विनर कंट्रीज को देते? विनर कंट्रीज कितनी जो हैं वो क्रूअल थी कि उन्होंने पूरी वॉर का जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी खर्चा था वो हारी हुई कंट्रीज के ऊपर डिवाइड कर दिया. और जर्मनी को कितना पे करना पड़ेगा? 6 बिलियन कंपनसेशन वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी. और जर्मनी सारा एक ही बार में नहीं दे सकती थी, तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में देने का डिसाइड किया. ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एरिया राइनलैंड एक जर्मनी का इंपॉर्टेंट एरिया था, वो भी किन्होंने ले लिया? अलाइड पावर्स. जैसे एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एरिया थी तो वो भी किन्होंने एक्वायर कर लिया? विनर कंट्रीज. राइनलैंड, जर्मनी से राइनलैंड ले लिया गया एंड जर्मनी के ऊपर क्या लगा दिया गया? वॉर गिल्ट क्लॉज. इसका मतलब क्या है कि जर्मनी को पूरी वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया. जर्मनी जैसी डिफीटेड कंट्रीज को पूरी वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया और वॉर गिल्ट क्लॉज जो है उनके ऊपर लगा दिया कि जो भी लड़ाई का जो भी रीजन है तो उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जर्मनी. और जब आपको पता, जब ये वाइमर रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव ने जब इस ट्रीटी को साइन करने के बाद अपनी कंट्री में वापिस आए, देवर नॉट वेलकम, देवर हेटेड from their own countrymen and they were regarded as November criminals because this treaty was signed in November. So that's why when they came back after signing the treaty they were regarded as November criminals. उनको criminals कहा. क्यों कहा? क्योंकि Germany के लोगों को ये लगा कि हमने तो democratic government को elect किया था और
सारा लॉस जो था 6 बिलियन कंपनसेशन गवर्नमेंट कहाँ से देगी, वो तो लोगों की पॉकेट से ही जाएगा, लोगों से टैक्स लिए जाएंगे, और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज लोगों के थे या कंट्रीज के थे या जो भी थे, वो वीमा रिपब्लिक जो थी वो उनके ऊपर, चाहे वो कोल है चाहे आयरन है या जो भी है, उसकी एक्सट्रैक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले ली विनर कंट्रीज ने. सो दैट्स व्हाई दिस ट्रीटी वॉज हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग, एंड जर्मन पीपल दे कुडंट अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ वीमा रिपब्लिक. And Weimar Republic, they faced many problems from the countrymen also. लोगों ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया. तो दिस वॉज अ मेजर प्रॉब्लम, सेकेंड ट्रीटी ऑफ वर्साई. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम. आई एम डिस्कसिंग लॉन्ग क्वेश्चन एंड ऑल द डिफरेंट हेडिंग्स कैन कम इन सेपरेट क्वेश्चन ऑल्सो. वेन एवर यू आर राइटिंग लॉन्ग क्वेश्चन तो ट्राई टू राइट इन शॉर्ट, बट इफ ट्रीटी ऑफ वर्साई विल बी लॉन्ग लाइक 5 marks, then you have to write the whole whatever I have discussed. Clear? But according to long question, so you can skip some of the points. But whenever you have to learn, like Treaty of Versailles, you have to prepare for 5 marks. Then you have to write a detail about this. Okay? Then next third problem, economic crisis 1923. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई, और उसके बाद जर्मनी जो था वो वाइमर रिपब्लिक जो थी दैट वॉज गिविंग कॉम्पनसेशन इंस्टॉलमेंट्स टू विनर कंट्रीज. व्हाट कंडीशन वर्स्ट इन 1923, यानी कि 1923 में कंडीशन जो थी वो बहुत वर्स्ट हो गई. इसका रीजन क्या था? बिकॉज 1923 जो जर्मनी की वैल्यू या करेंसी थी ना मार्क, जैसे इंडिया की होती है रूपी, जर्मनी की करेंसी का नाम क्या था? मार्क. व्हाट इज मार्क? मार्क वाज द करेंसी. जैसे इंडिया की रूपी है, यूएस की डॉलर है, ऐसे ही जर्मनी की करेंसी का नाम क्या था? मार्क. इसकी वैल्यू डाउन हुई. वैल्यू डाउन होने का मतलब है जब मार्क को डॉलर से कन्वर्ट किया जाएगा तो हमें ज्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे और कम डॉलर मिलेंगे. सपोज 100 marks का $1, और अगर मार्क की वैल्यू और डाउन हो जाती है तो 200 marks फॉर $1, 300 marks फॉर $1. इसका मतलब डॉलर बहुत कॉस्टली हो गया क्योंकि हमें ज्यादा मार्क्स पे करने पड़ रहे हैं. मार्क्स यहाँ पे, मार्क का मतलब है करेंसी. इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है कि 1923 में जर्मनी की कंडीशन और वर्स्ट हो गई, बिकॉज रूपी वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क दैट गोज डाउन, बहुत ज्यादा डाउन हो गई. और अब कंपनसेशन पे करने के लिए जर्मनी को बहुत ज्यादा करेंसी चाहिए थी, और करेंसी कहाँ से आएगी? अगर वो नए नोट भी जो है, नई करेंसी भी प्रिंट करते हैं, तो अल्टीमेटली मार्क की वैल्यू तो और डाउन हो रही थी. और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? दे रिफ्यूज, सरेंडर कर दिया, रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन. जर्मनी ने विनर कंट्रीज को ये कहा कि नाउ सरेंडर का मतलब होता है हैंड्स अप कर देना, कि दे आर नॉट एबल टू गिव यू प्रॉपर कंपनसेशन. और जब जर्मनी ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया, क्योंकि जर्मनी के पास तो पैसे ही नहीं थे देने के लिए, है ना, तो विनर कंट्रीज में से फ्रांस ने क्या किया? जर्मनी का एक और इंपॉर्टेंट एरिया था रूहर, दैट वॉज टेकन. पहले राइनलैंड लिया, उसके बाद जर्मनी का एक और इंपॉर्टेंट एरिया था रूहर, that was taken by the winner countries. कि वो compensation अगर pay नहीं करेंगे तो उनसे क्या ले लिया गया? रोहर area ले लिया गया, जो जर्मनी का important area था. Already value जो थी currency, mark की जो currency थी वो बहुत down हो गई थी, and factories या industries में काम नहीं हो रहा था, लोग unemployed हो रहे थे, poverty was at large scale. ठीक है, and international market में जर्मनी का import export खत्म हो गया था. वर्ल्ड में कोई भी कंट्री जर्मनी के साथ इंटरनेशनल बिजनेस या एक्सचेंज नहीं करना चाहती थी क्योंकि करेंसी बहुत डाउन थी. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जर्मन की कंडीशन आगे से और वर्स्ट हो गई, और वाइमर रिपब्लिक वॉज नॉट एबल टू हैंडल द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फिर यूएसए ने जर्मनी को हेल्प किया. ठीक है, जर्मनी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में यूएसए सबसे रिच कंट्री मानी जाती थी, तो जर्मनी ने फिर क्या किया? यूएसए से लोन लिया.
लोन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. जिस टाइम पीरियड में अगर हम किसी फैमिली की भी बात करें, अगर किसी फैमिली के पास पैसे नहीं है, उनको कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, सपोज मैरिज करनी है या मेडिसिन के लिए चाहिए या ऑपरेशन करवाना है, तो ऐसे में क्या होता है, लोग फिर लोन लेते हैं और लोन जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है. तो इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जर्मनी ने यूएसए से क्या लिए, लोन्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूएसए के जो मिनिस्टर थे, जिन मिनिस्टर ने जर्मनी को लोन देने के लिए एग्री किया, उनका नाम क्या था, डॉब्स. और इसीलिए डॉब्स प्लान भी कहा जाता है इसको, डॉब्स प्लान. 1923 में जर्मनी ने यूएसए जो लोन लिया, उस लोन को किस प्लान के अंडर लिया, उसको कहते हैं डॉब्स प्लान विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि जर्मनी वाइमर रिपब्लिक को मनी चाहिए था, और मनी कहां से प्रोवाइड किया, यूएसए ने, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन कंट्री के अंदर कंडीशन और वर्स्ट होती जा रही थी, और दोनों कंडीशन थी, एक तरफ करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही थी एंड चीजों के रेट प्राइजेस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे. ठीक है, यानी कि लोगों के पास जो मनी है उसकी वैल्यू डाउन हो रही थी, लेकिन चीजों के रेट बढ़ रहे थे, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन प्राइसेस. सपोज मैं आपको कहती हूँ कि बेटा पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज. अगर ये 150 का हो जाए, 1 मंथ के बाद 200 का हो जाए, आपको कहे मैम ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता रहे तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के पास जो करेंसी थी उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही. तो अब क्या करती वाइमर रिपब्लिक, आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट के लिए उस टाइम पीरियड में कंट्री को संभालना कितना मुश्किल. तो दैट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1923. ठीक है, लेकिन अभी भी कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हुई, ये भी कंडीशन अभी एक्सट्रीम नहीं थी, कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हुई. 1929 डिप्रेशन. ये डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था यूएसए से, और इसका इंपैक्ट कहां पे पड़ा, जर्मनी. अब आप इसको समझो कि डिप्रेशन वाइमर रिपब्लिक के लिए प्रॉब्लम कैसे थी. डिप्रेशन एक बिजनेस लॉस होता है जिसमें कंट्रीज या फैक्ट्रीज को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है, और पूरे वर्ल्ड में जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखते हैं ना, कोरोना पैंडेमिक टाइम पीरियड में अब बिजनेस में बहुत लोगों को लॉस हुए हैं, लॉकडाउन के कारण काफी लोगों को लॉस हुआ, शॉप्स बंद रही, फैक्ट्रीज बंद रही, लेबर को काम नहीं मिला, है ना. इसी तरह से 1929 एक ऐसा ईयर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफी कंट्रीज ने आपस में एक्सचेंज करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो कंट्रीज इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं कर रही थी. जब इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं ना होता तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको लॉस होता है. सपोज आज के टाइम पीरियड में हम कह रहे हैं कि फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, तो जो लोग फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाएंगे, उनका बिजनेस नहीं होगा तो लॉस होगा उनको. ऐसे ही 1929 में इंटरनेशनल एक्सचेंज कुछ देर के लिए बंद हो गया. डिप्रेशन, अलग अलग कंट्रीज जो थी उनको प्रॉब्लम आ रही थी डिप्रेशन. डिप्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में लॉस हो रहा था. एंड ये डिप्रेशन आपको जानकर हैरानी होगी, ये डिप्रेशन कहाँ पे हुआ, यूएसए में. अब यूएसए में क्यों हुआ ये डिप्रेशन, इसका रीजन पता क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब बाकी कंट्रीज यूके, फ्रांस और रशिया आपस में जो है इन कंट्रीज के साथ लड़ रही थी, उस टाइम पीरियड में यूएसए जो था, यूएसए की एंट्री जो है वो लेट हुई है, लेट एंट्री, नियर अबाउट 1918 यूएसए ने सबसे लेट एंट्री की थी. और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूएसए की फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जा रही थी,
जिस टाइम पर में पूरा वर्ल्ड जो था वो वॉर लड़ रहा था, यूएसए एक अकेली ऐसी कंट्री थी जहां पे फैक्ट्रीज में काम होता जा रहा था, क्योंकि यूएसए के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और यूएसए ने बिना सोचे समझे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू की, क्योंकि यूएसए ने ये सोचा था कि जब वॉर बंद होगी तो सभी कंट्रीज यूएसए से डील करेंगी और ऐसे में फिर यूएसए सबसे ज्यादा जो है वो मनी अर्न करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? सभी कंट्रीज जो थी उन्होंने कुछ देर के लिए इकोनॉमिक एक्सचेंज करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास तो मनी नहीं थी। और ऐसे में यूएसए की फैक्ट्रीज जो थी ओवरलोडेड, ओवरलोडेड का मतलब होता है कि फैक्ट्रीज में सामान ज्यादा था, बायर्स नहीं थे। बायर्स का मतलब होता है खरीदने वाले नहीं। और धीरे 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 यूएसए की फैक्ट्रीज में भी लॉस होना शुरू हुआ। मतलब इसका मतलब ये है इकोनॉमिक सिस्टम को कोई नहीं समझ पाता। अगर डिफीटेड कंट्रीज को लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं विनर कंट्रीज को भी इसका लॉस हुआ होगा। और ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूएसए का बैंकिंग सिस्टम जो है डेट कोलैप्स का मतलब होता है लोगों ने अपने बैंक्स में जो जो भी सेविंग की थी ना वो निकाल ली। यूएसए के जितने भी रिच पीपल थे उन्होंने अपने बैंक्स में जो भी सेविंग थी वो निकाल ली। और एक और इसका सबसे ज्यादा वर्स्ट इंपैक्ट क्या पड़ा? शेयर मार्केट में लॉस हुआ। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश। अब बच्चे ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है दैट इज स्टॉक मार्केट ऑफ यूएस। ठीक है, अब जैसे बॉम्बे में होती है ना, बॉम्बे में भी स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड यानी कि यूएसए का जो शेयर मार्केट है वो कहाँ पे है उसको क्या कहते हैं? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। क्रैश हो जाना, क्रैश का मतलब होता है लॉस। मैंने आपको दो लॉस बताए, एक तो यूएसए के बैंकिंग सिस्टम को लॉस हो गया क्योंकि यूएसए के बैंक्स में जितनी भी सेविंग्स थी, यूएसए के रिच पीपल जितने भी थे उन्होंने अपने अपने बैंक्स में से सेविंग्स निकालनी शुरू कर दी। सेकेंड इज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का मतलब होता है शेयर मार्केट भी कोलैप्स हो गई। अब बच्चे आपको शेयर मार्केट का पता होना चाहिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो आपको थोड़ा सा शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इसको समझो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? सपोज यू आर परचेजिंग शेयर ऑफ एनी कंपनी और फैक्ट्री, आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हो। सपोज एक शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपीज। तो आपने उस कंपनी के 100 शेयर्स खरीद ली। 6 मंथ्स के बाद सपोज उसी शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस 150 हो गया, तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर किसी शेयर का जो प्राइस है वो 100, 6 मंथ्स के बाद एक शेयर का प्राइस हो गया 150, आपने उस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे थे, तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट? हाँ जी गौरव, कीप योर माइक ऑन। वेरी गुड। लेकिन यूएसए में क्या हुआ? इस पर्टिकुलर ईयर यानी कि 1929 में शेयर मार्केट डाउन हो गई। जो शेयर किसी पर्सन ने अगर 100 रुपीज में खरीदा होगा उस शेयर की वैल्यू डाउन होकर कितनी रह गई? 10 या 5 रुपीज। आप ये सोचो कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में शेयर मार्केट में कितना लॉस हुआ होगा। और लोगों ने क्या किया, जो भी उनके पास शेयर थे वो सारे बेचने शुरू कर दिए। और जब शेयर बेचने शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली बैंक्स में तो वैसे ही मनी नहीं है क्योंकि लोग अपनी अपनी सेविंग्स भी वापस ले रहे हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि यूएसए ने जर्मनी जैसी कितनी कंट्रीज को लोन दिया हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर मैं जर्मनी जो यूएसए बहुत रिच कंट्री। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूएसए, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यूएसए जर्मनी, क्योंकि यूएसए में जो डिप्रेशन का इफेक्ट पड़ा उसके कारण यूएसए ने क्या किया, सभी कंट्रीज को डेडलाइन दे दी कि जो भी यूएसए ने उनको लोन दिया हुआ है वो वापस कर दें। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फिर डिप्रेशन के टाइम पीरियड में जर्मनी के ऊपर भी बर्डन आ गया और जर्मनी को यूएसए से जितना भी लोन लिया हुआ था वो भी वापस करना था। डेडलाइन का मतलब होता है एक डेडलाइन दे देना, और उसके बाद अगर जर्मनी लोन वापस नहीं कर पाएगा तो जर्मनी की जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस या जो भी उनकी टर्म्स साइन होंगी वो यूएसए एक्वायर कर ले। तो ये था एग्रेरियन डिप्रेशन ऑफ 1929 जिसका इम्पैक्ट
शुरू हुआ था यूएसए से, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा? जर्मनी. और जर्मनी जर्मनी एक ऐसी कंट्री थी जिस कंट्री ने यूएसए से लोन लिया हुआ था. लेकिन जब यूएसए ने जर्मनी से अपना फाइनेंशियल सपोर्ट ले लिया और जर्मनी को डेडलाइन दे दी, देन एट दैट टाइम जर्मनी दे हैड टू पे लोन. जो लोन की उन्होंने अमाउंट ली हुई थी वो यूएसए को वापस करनी पड़ी. और इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ा? वीमर रिपब्लिक को कितनी ही प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ी. प्रॉपर्टी सेल करना मतलब कि जो भी उनके पास प्रॉपर्टी उसको सेल करके यूएसए गवर्नमेंट को लोन जो थे वो वापस दिए. और 1932 तक आते आते जर्मनी की बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या हो गई? शटडाउन. शटडाउन का मतलब होता है बंद हो जाना, इंडस्ट्रीज बंद हो जाना. और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वाइमर रिपब्लिक जो थी दैट वाज नॉट एबल टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. और आप ये खुद सोचो कि कंट्री की हालात जो थे वो कितने वर्स्ट हो गए उस टाइम पीरियड में. और गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू हैंडल द कंडीशन. कितना बर्डन होगा उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के ऊपर, वाइमर रिपब्लिक के. ठीक है, कि इतना लॉस जो था वो लोगों को फेस किया जा रहा था. एंड चाहे डॉक्टर से, चाहे लॉयर से, चाहे टीचर्स, चाहे हर कैटेगरी हर प्रोफेशन के लोग जो थे, दे वर नॉट गेटिंग वर्क. उनको काम नहीं मिल रहा था. और एक ऐसी कंडीशन आई जब काम के लिए लोग लेबर करने को भी तैयार हो जाते क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मनी नहीं थी. और हर तरह के लोग, चाहे वो हायर एजुकेटेड लोग भी थे, दे वर कंपेल्ड टू डू लेबर वर्क. उनको लेबर वर्क भी करना पड़ा, जिससे उनका रैंक जो है वो लो, रैंक लो हो जाना. मतलब डॉक्टर्स हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको लेबर सिक्योरिटी का काम भी करना पड़ा, जिससे उनका रैंक जो है वो सोसाइटी में बहुत लो है. जब ऐसा होता है तो लोगों के मन में क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं. लोग क्या करते हैं, वो क्राइम की तरफ जो है वो बढ़ते हैं. एक ऐसी कंडीशन जिसमें लोगों का रैंक रिड्यूस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोलीटेरियनाइजेशन. प्रोलीटेरियनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आपका रैंक बहुत ज्यादा है, सपोज आप डॉक्टर हो, आप एजुकेटर हो, लेकिन आपको लेबर का काम करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है? आपकी आपकी फीलिंग जो है, जो फीलिंग आपके मन में आती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोलीटेरियनाइजेशन. ठीक है, तो ये कंडीशन उस टाइम पर में जर्मन के लोगों की थी. डिप्रेशन मैंने क्यों आपको डिटेल में बताया है? बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन आल्सो फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. अदरवाइज जब आपने ये वाला क्वेश्चन करना, इसमें आप बिल्कुल शॉर्ट में इसकी इवेंट बताओगे 3-4 लाइन. क्लियर? तो अभी तक मैंने आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, प्रॉब्लम फेस बाय वाइमर रिपब्लिक, नंबर 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नंबर 2 ट्रीटी ऑफ वर्साय, नंबर 3 इकोनॉमिक क्राइसिस 1923, नंबर 4 ग्रेट डिप्रेशन 1929, एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम वाइमर रिपब्लिक की थी, दैट वॉज देयर कॉन्स्टिट्यूशन. उनके अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था. क्या डिफेक्ट था? इसका हेडिंग लास्ट प्रॉब्लम, डिफेक्ट ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. इनके अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट था. क्या डिफेक्ट था? नंबर 1, आर्टिकल 48. इस आर्टिकल को इन्होंने इतना लिबरल यूज किया ना, लिबरल यूज का मतलब होता है बिना सोचे समझे, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, लोगों का फेथ खत्म हो गया. और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या लगा सकती है? एमरजेंसी. गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लोगों के राइट्स को सस्पेंड कर सकती है. कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन थी. एंड आपको पता है इस आर्टिकल 48 को इतना लिबरल यूज किया गया कि जर्मनी में हर मंथ आर्टिकल 48 लगा देते थे और उसके बाद लोगों के सस्पेंड हो जाते थे सिविल राइट्स एंड एमरजेंसी इंपोर्ट हो जाती थी. एमरजेंसी लगा देना कंट्री में एंड सस्पेंडेड सिविल राइट्स मैनी टाइम्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर 1929 तक कंट्री में कितनी बार एमरजेंसी लगाई, कितनी बार सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया ताकि जर्मनी के लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपोज ना करें. तो अब लोगों को ये लग रहा था कि जिस गवर्नमेंट को उन्होंने इलेक्ट किया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, वो गवर्नमेंट एमरजेंसी लगा रही है, लोगों के राइट्स उनसे लिए जा रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, बट स्टिल पीपल दे आर नॉट फ्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स.
तो ऐसे में क्या होता है, लोगों के जो सिविल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए, दे वर नॉट फ्री टू अपोज द गवर्नमेंट. सो दिस आर्टिकल आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिफेक्ट था. लोग इसको इस डिफेक्ट को अपोज कर रहे थे और वो चाहते थे कि इस आर्टिकल को हटा दिया जाए, इलिमिनेट कर दिया जाए. सो दैट्स व्हाई पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट. ठीक है, लोगों को डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के ऊपर जो फेथ था. अच्छा, एक और आपने नाम याद रखना, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का नाम क्या था? राइक्सटैग. गवर्नमेंट वाइमर रिपब्लिक, पार्लियामेंट का नाम क्या था? राइक्सटैग. जैसे दिल्ली की पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, याद रखो दिल्ली की पार्लियामेंट हमारी कंट्री इंडिया की पार्लियामेंट है लोकसभा राज्यसभा. रशिया की पार्लियामेंट ड्यूमा, याद है ना, रशिया की पार्लियामेंट ड्यूमा. ऐसे ही जर्मनी की पार्लियामेंट राइक्सटैग, जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम क्या था? राइक्सटैग. पीपल दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द जर्मन पार्लियामेंट. उनका जर्मन पार्लियामेंट से जो कॉन्फिडेंस, जो फेथ था, वो खत्म हो गया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि गवर्नमेंट बार बार एमरजेंसी लगा रही है, बार बार लोगों के राइट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, और इस तरह से लोग जो थे दे वर नॉट ट्रीटेड वेल वाइमर रिपब्लिक. और प्रॉब्लम क्या थी वाइमर रिपब्लिक की? कोलिजन गवर्नमेंट. कोलिजन गवर्नमेंट में कभी भी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं बनती थी. मैनी स्मॉल पार्टीज वर देयर, क्लैशेस वर देयर, क्लैशेस हमेशा होते रहते थे. एंड राइक्सटैग के जो मेंबर्स थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे चेंज मैनी टाइम्स, बहुत बार उनको चेंज किया गया. और अगर लगातार मेंबर्स को चेंज किया जाएगा तो मेंबर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. तो कंट्री में कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता. तो एट दैट टाइम लोगों को एक होप चाहिए थी जो उनके कॉन्फिडेंस को जीते, और ये होप उस टाइम पीरियड में लोगों को किसने दी? हिटलर ने. ठीक है, तो वाइमर रिपब्लिक में जो भी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लोगों को एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो उनकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके. कोलिजन गवर्नमेंट, आर्टिकल 48, ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेक्ट थे. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कभी भी एक पार्टी की गवर्नमेंट बनती नहीं थी, कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं थी जिसपे लोग फेथ कर सके और पूरी तरह से कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टी पे दे सके. दिस वॉज अ डिफेक्ट. अगेन क्वेश्चन इज, विच वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमर रिपब्लिक? नंबर वन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नंबर टू सेकेंड इज ट्रिटी ऑफ वर्साय, नंबर थ्री इकोनॉमिक क्राइसिस 1923, नंबर फोर प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? यूएसए से, बट इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा? जर्मनी पे. एंड लास्ट इज वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेक्ट्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जब आपने पूरा क्वेश्चन करना है हेडिंग्स के साथ, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करो. व्हाट दीज कैन कम इन द लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंट हेडिंग्स, ट्रिटी ऑफ वर्साय, इकोनॉमिक क्राइसिस, डिप्रेशन. सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स इन डिटेल विद यू. इट इज क्लियर? क्लियर बेटा?